हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज़ दिव्यन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक का ऊपर। जिंक का डेली पिवट पॉइंट, मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। तो आप देख सकते हैं ये जिंक है। जिंक का पिवट पॉइंट है 183.67, फर्स्ट रेजिस्टेंस 186.94, सेकंड रेजिस्टेंस 190.07 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 193.34। फर्स्ट सपोर्ट 180.54, सेकंड सपोर्ट 177.27 एंड थर्ड सपोर्ट 174.14। तो इनमें से आप देख सकते हैं ये जिंक चार्ट है। तो अगर हम 4 आवर या डेली चार्ट में देखें तो देख सकते हैं ये जो पहले हायर पॉइंट था उसको ब्रेकआउट किया, लेकिन उसका ऊपर प्राइस ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं आप ये रेजिस्टेंस लाइन, तो आपको बाय लेना है। तो उसका ये जो 184 है उसका ऊपर से ही बाय लेना सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि इसको बहुत बार उसको ट्राई किया था तोड़ने के लिए, अगर इसको तोड़ पाया तो मार्केट ऊपर तो डेफिनेटली चला जाएगा, लेकिन पहले उसके लिए हमें होल्ड करना पड़ेगा पहले कि उसको तोड़ दे। ठीक है, तो अगर ये डेली का है तो अगर हम 4 आवर में देखें तो 4 आवर में देख सकते हैं ये मार्केट तो आज नीचे ही आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन देना चाहिए यहाँ पे। अगर 1 आवर या 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं ये तो मार्केट नीचे आ रहा है, गैप डाउन में ओपन हुआ है मार्केट। और जो इसका ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया हुआ है, इधर पे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन भी एक ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से लोअर लो क्रिएट कर रहा है। जैसे ये पहले लोअर था तो आप देखेंगे तो उसको नेक लाइन बोल सकता है, तो उसका नीचे में आज मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे ओपन हुआ है, तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए। आज अराउंड 180 लेवल तक मार्केट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्टिंग लाइन है। अगर यहाँ पे 30 मिनट में थोड़ा बहुत ही एक ये 50 मूविंग एवरेज का एक सपोर्टिंग लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और हम 15 मिनट का रहे तो ये नियर 100 मूविंग एवरेज आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। तो अराउंड 180, 190 या 82 में आप देख सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन देके ऊपर तक जा सकता है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके यहाँ ऊपर जाके फिर से नीचे आने का चांसेस है। तो अगर 5 मिनट में देखे तो 5 मिनट में देख सकता है ये कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है तो वो लोअर लो क्रिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है आज 180 रेंज में आना है। तो अगर देखेंगे अगर ट्रेंड लाइन में तो ये ट्रेंड रेंज में मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये तो करेक्शन दे दिए, यहाँ से नीचे आने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।